हेलो फैनवर्स, तो मूवी फैनवर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो क्या आपने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का नया ट्रेलर देखा? नहीं देखा तो अभी जाके चेकआउट कीजिए और फिर मेरे वीडियो को देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मैडनेस की। क्योंकि यहाँ पर सैम रेमी और मार्वल ने यहाँ पर मिल के पूरे मल्टीवर्स को डार्क कर दिया है। यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज जो है उनके काफ़ी सारे वेरिएंट हमें देखने मिले हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डार्क है। यहाँ पे हमें वांडा का वेरिएंट देखने को मिला जो कि काफ़ी ज़्यादा डार्क है। और तो पहले जो ट्रेलर था उसका ऑलरेडी हमने यहाँ पर ब्रेकडाउन कर दिया है। इस ट्रेलर में हमें नया देखने को क्या मिला हम वो देखें, क्योंकि इस ट्रेलर में काफ़ी कुछ ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो पहले के ट्रेलर की मिक्सअप की गई है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो ट्रेलर की शुरुआत में हम डॉक्टर स्ट्रेंज को सुन सकते हैं जो कि बता रहे हैं कि उन्हें हर रात एक सपना आता है। और हम डॉक्टर स्ट्रेंज को एक काफ़ी ऐसी अलग लोकेशन पर देख रहे हैं जो कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और हमारे डॉक्टर सैंटम के बाहर खड़े हैं और सैंटम धीरे धीरे डिस्पेयर हो रहा है। और यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज के आसपास काफ़ी सारे कंकाल भी पड़े हुए हैं। मे बी ये सारे कंकाल उन विज़र्ड के होंगे जो कि सैंटम को बचाते हुए जो है यहाँ पे पूरी तरह से कंकाल बन चुके हैं। क्या बोला तूने? और आगे एक डोर ओपन होता है जहाँ पर हम ड्रैकुला का ईस्टर एग देख सकते हैं यहाँ पे ये हैंडल के जरिए। और भाई पहले ये बताओ कि ये सीढ़ी यहाँ पर किसने लगाई है? देख रहे हो कितनी बड़ी सीढ़ी है, क्या ये 100 रुपये जाने वाली सीढ़ी है? बट ये इतनी बड़ी सीढ़ी है कि यहाँ पर कोई नहीं जा पाएगा, बट हमारा जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वो तो भैया उड़ के कहीं पर भी जा सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करने वाली है कि यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज का जो केप है वो ऑलरेडी कुछ अलग हमें दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर कुछ पुरानी जैसे कि पुराने समय में जैसे होता था कि कोई अगर चीज़ पड़ जाती तो उस पर अलग से कपड़ा लगाया जाता था। तो यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज का केप है वो भी हमें यहाँ पर ऐसे ही लग रहा है कि उसे जो है फिक्स किया गया है। और आगे हम देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी तबाही मची हुई है और सैंटम पर अटैक हो चुका है और यहाँ पर काफ़ी सारे विज़र्ड जो है मरने वाले हैं। मे बी शायद से मर भी गए होंगे और जो हमें पहले जो सारे कंकाल दिखाए गए थे वो शायद से इनके ही होंगे। और आगे एक काफ़ी दर्द भरा सीन हमें यहाँ पर देखने मिलता है अमेरिका शैवेज का, जिसे एक पट्टियों वाले क्रीचर ने बांध कर रखा है और उसके हाथ पैर इस तरह से ज़ोर ज़ोर से खींच रहा है कि मानो अमेरिका शैवेज के हाथ पैर यहाँ पर उखड़ी जाएंगे। बट यहाँ पर अमेरिका शैवेज के पीछे एक पोर्टल खुला है जो कि अमेरिका शैवेज ने ही खोला होगा या फिर इस क्रीचर ने खुलवाया होगा, क्योंकि जब भी अमेरिका शैवेज अपने लात घूंसे मार कर कोई दूसरे रियलिटी का पोर्टल ओपन करती है तो वो स्टार फॉर्म में ही होता है। और यहाँ पर सैम रेमी का ऑसम डायरेक्शन हम देख सकते हैं जहाँ पर हम डिफेंडर स्ट्रेंज को भी देख सकते हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो भाई ये बंदा काफ़ी पिटा हुआ लग रहा है मुझे यहाँ पर। और यहाँ पर हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज नींद से जाग जाते हैं, तो क्या ये पूरा जो सीन था वो एक सपना था? गजब बेइज्जती है, मुझे नहीं पता, आप मुझे बताइएगा। और आगे के सीन में हमें वही सारी झलक दिखाई जाती है जो कि हमने इसके पहले वाले ट्रेलर में देखी थी। बट गाइज यहाँ से शुरू होता है इस ट्रेलर का असली मसाला, तो तैयार हो जाइए। तो भैया यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज को पकड़ लिया गया है, उन्हें फतकड़ियाँ बांध दी गई है। यार मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ ऐसा कौन करता है? यहाँ का जो व्यू है वो बहुत ही अलग है, ना ये टीवी है ना ये एवेंजर हेडक्वार्टर से मेल खाता है। तो ये कौन सी जगह है भाई, आपको पता है? नहीं मुझे नहीं पता, आप मुझे बताइए ये कौन सी जगह हो सकती है। तो यहाँ पर कुछ रोबोट जो है वो डॉक्टर स्ट्रेंज को पकड़ के ला रहे हैं और इससे एक चीज़ कंफर्म हो जाती है कि डॉक्टर स्ट्रेंज जहाँ भी है वो जगह काफ़ी ज़्यादा एडवांस और काफ़ी ज़्यादा हाईटेक है। देखा जाए तो ये जो रोबोट्स है ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर मुझे लग रहे हैं एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी से, जहाँ पर कि टोनी स्टार्क ने आयरन लीजन बनाए थे जो कि काफ़ी ज़्यादा हाईटेक रोबोट्स थे जो कि ऐसे ही वॉर वगैरह में जो लोगों की मदद करते हो। हमने देखा भी था जब हल्क और आयरन मैन की फ़ाइट होती है तो वो वहाँ पर जाकर लोगों को जो है गाइड कर रहे होते हैं। मे बी यहाँ पर हमें फिर से सुपीरियर आयरन मैन का एक टीज दिया जा रहा है इन केस अगर मान लीजिए मैं अगर कह रहा हूँ अगर इस मूवी में टॉम क्रूज के आयरन मैन को दिखाया जाता है तो वो अब तक का सबसे पावरफुल आयरन मैन होगा, ऐसा भी बोला जा रहा है। और भाई यहाँ पर हमें इल्लुमिनाटी की हिंट मिल चुकी है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज खड़े हैं यानी कि यहाँ पर उनके ऊपर समथिंग कुछ मुकदमा वगैरह होने वाला है। तो सामने अगर हम देखें तो टोटली 6 चेयर्स हमें दिख रही है और यहाँ पर एक बंदा जो है बैठा हुआ और बाकी के बंदे भी शायद से आने वाले हैं। और सबसे बड़ा सरप्राइज बैकग्राउंड में जो वॉइस आ रही है वो है हमारे चार्ल्स जेवियर, जो सर पैट्रिक स्टेवर्ट की है, जो कि एक्समैन मूवीज़ में प्रोफेसर एक्स का रोल निभाते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ तो कंफर्म है, मैं 90% यहाँ पर बोल सकता हूँ कि ये जो बंदा है वो ऑलरेडी जो है प्रोफेसर एक्स के रोल में आ चुका है मार्वल में। और आगे चल के हमें एक्समैन मार्वल यूनिवर्स में देखने मिलने वाले हैं। और यहाँ पर एक और कन्फर्मेशन कि इस मूवी में हमें इल्लुमिनाटी देखने मिलने ही वाले हैं।
बट इस पूरे सीन में अगर एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा ध्यान से अगर देखें हम, तो यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज का जो केप है वो यहाँ पर नहीं है, तो कहाँ गया? डोंट वरी, जब मूवी रिलीज़ होगी तब हमें पता चल जाएगा। और ये सीन मुझे मैन इन ब्लैक मूवी की याद दिला रहा है, और ये सीन मुझे मैन इन ब्लैक 3 मूवी की याद दिला रहा है, जहाँ पर कि अलग अलग रियलिटी में ट्रैवल करते वक्त अलग अलग टाइम में भी ये लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, यानी कि अलग अलग टाइम में भी ये लोग ट्रैवल कर रहे हैं। वाओ, डायनासोर जैसा जुरासिक वर्ल्ड का तो अभी ट्रेलर रिलीज़ हुआ है, उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई है, तो इस वीडियो के बाद जाकर उस ट्रेलर का ब्रेकडाउन जो है वो भी आप देख लीजिएगा। और इस सीन में मुझे तो रुला दिया या डॉक्टर स्ट्रेंज कितना ज़्यादा दर्द सहन करते, पहली मूवी से लेके इस मूवी में दर्द ही दर्द सहन कर रहे हैं, मानना पड़ेगा। और आगे वही सीन जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज इविल डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलते हैं, और सामने अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो मैंने पहले आपको बताया था ब्लैक होल के बारे में, ये वही जगह है, और मे भी सामने हमें जो चीज़ दिख रही है वही ब्लैक होल है, जहाँ पर कि सारी चीज़ें जो है वो अपने अंदर जो है अब्सॉर्ब कर रहा है, जैसे कि हमने लोकी सीरीज में भी देखा था। और आगे के सीन में हम देख सकते हैं कैप्टन मार्वल को। एक मिनट, क्या ये कैप्टन मार्वल है? यार मुझे नहीं लगता ये कैप्टन मार्वल है, हो सकती है। वैसे काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि ये जो है ये सुपीरियर आयरन मैन है, बट इसका जो फिगर है वो अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये एक फीमेल के जैसा लग रहा है। अब यहाँ कौन है कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी थियरीज बन रही है, जो कैप्टन मार्वल मूवी में हमने देखा, जो उनकी फ्रेंड थी, मे भी यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि वो एज अ कैप्टन मार्वल बन चुकी है, या फिर जो बेटी है जिन्हें हमने वांडा विजन में देखा था, ऑलरेडी उनको पावर्स मिल चुकी है, तो ये वो भी हो सकता है। बट अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अभी हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे इस ट्रेलर के आगे के सीन पर। बट यहाँ जो कोई भी है वो वांडा से फाइट, जिसकी कि वांडा से फाइट हो रही है, और यहाँ पर वांडा और दोनों की काफ़ी घमासान फाइट हो रही है। और यहाँ पर हमारी वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती है, हाँ तुम करो तो सब वाह वाह कर, और हम करें तो सबके नाक में दम, यानी कि प्रॉपर वांडा जो वेस्ट व्यू में हुआ था उसके लिए जो है सारे के सारे लोग उसे विलन मानने लगे, वो ये बताती है। बट डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो नो वे होम में किया था उसकी वजह से वो हीरो बन गए। तो स्ट्रेंज यहाँ पर एक ऐसी रियलिटी में चले गए जहाँ पर कि वो मे बी शायद से सेक्रीफाइस करके दुनिया को बचा दिया है, और यहाँ पर उनके बड़े बड़े स्टैचू लग चुके हैं, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। और इसके बाद वाले सीन में हमें दो वांडा दिखाई देती है, जहाँ कि एक वांडा जो है वो अपने स्कारलेट विच के फॉर्म में है और वो घुटनों पर बैठी, और दूसरी जो वांडा है वो आकर जो है उसे काफ़ी इमोशनल भरा जो है एक वो माने कि उसके गाल को टच कर रही है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है, मे बी ये दूसरी रियलिटी की वांडा हो सकती है जो कि एक्चुअल रियलिटी में आ चुकी है। और यहाँ पर काफ़ी सारे फाइट सीन्स, और एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करने वाली है कि यहाँ पर जो वांडा है, जो दूसरी वांडा, उसने काफ़ी सारा यहाँ पर खून खरवा मचा रखा है, और वो एज एक हाथ को होल्ड करके फॉर्म में आ चुकी है, और मे बी यहाँ पर जो हमारे चार्ल्स जेवियर है वो उनके माइंड को जो है कंट्रोल कर रहे हैं। आगे हम देख सकते हैं कि वॉन्ग जो एक जगह पर लटके हुए हैं और वो डॉक्टर स्ट्रेंज से हेल्प मांग रहे हैं। बट इसके आगे का जो सीन है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है और बहुत ज़्यादा हॉरर है, क्योंकि यहाँ पर सैम रैमी जो है वो ऑलरेडी हॉरर कंटेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और उन्होंने यहाँ पर अपनी हॉरर कंटेंट की जो क्रिएटिविटी है वो यहाँ पर दिखाई है। इस बंदे को आप ध्यान से देखिए, ये मे बी मेरे ख्याल से डिफेंडर स्ट्रेंज हो सकते हैं, जो कि अलग अलग फॉर्म्स में आके पूरे वर्ल्ड या फिर जितनी भी आसपास की जो चीज़ें उसमें से जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा ऑसम है। ध्यान से सीन को देखिए, कितना ज़्यादा डेंजरस लग रहा है। मे बी ऐसा हो सकता है कि डिफेंडर स्ट्रेंज जो है वो इस मूवी के मेन विलन हो सकता है। और यहाँ पर ये जो ट्रेलर है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, और ये ट्रेलर माय गॉड बहुत ज़्यादा ऑसम था। वैसे काफ़ी कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए, बट वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं अगले वीडियो में जो है उसके डिस्कशन कर दूंगा। तब तक के लिए आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं रहूँगा आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए भी एडिक्टेड।